ਮੇਰਾ ਦੇਖਦੇ ਤਮਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੈ ਐਨ ਐਫ ਐਲ ਦੀ ਜੀ ਐਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ सर स्वागत है तथा और कोई नहीं मानवी महर्षि प्रभु राम की लीला का मंचन हो रहा है तो क्या आज की नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं प्रभु के मार्ग चिन्हों पर ना चलते हुए मार्ग से भटकते जा रहे हैं ऐसे में धर्म के साथ जोड़ने की स्थान पर नशे की ओर ज्यादा क्या संदेश देना मैं सीजीएम एनएफएल एमएन गोयल हमें ये जैसे रामलीला से हमारे बच्चों को देखने को मिलता है कि जब कैसे राम जी ने अपने पिताजी के वचनों को पूरा करने के लिए अयोध्या का राज छोड़ दिया और वो 14 साल के लिए वनवास में चले गए तो आजकल के जो बच्चे हैं उनको सीखना चाहिए कि अपने पिता के वचन कैसे वो भी वचनों से पूरा उतर सकते हैं और देखा गया है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो जब अपने रिजल्ट जाते हैं पर देखो श्री राम जी 14 साल वनवास में रहे और अपना धैर्य रखा और उसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि राम जी के साथ उनके जो भाई लक्ष्मण जी कैसे उन्हें उनका साथ दिया और आगे हम देखेंगे माता सीता उनमें कितना कॉन्फिडेंस था कि इतनी मुश्किल आने के बावजूद भी वो अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया और उनको विश्वास था कि उनके पति उनको वापस लेने आएंगे और राम जी ने अपनी पूरी कोशिश करने के बाद वहां पे जो रावण था जो बुराई उसको हरा कर वो सीता को बाप लेकर दुआई और आकर उनने बाप अयोध्या में ग्राम राजा जो वो बाप से लिया जिसको हम आज भी सारे लोग मानते हैं कि राम जो राजा था जो उसमें जस्टिस था उसमें क्वालिटी थी उसमें सबको इक्वल दर्जा दिया गया था और वो राजा जो एक हमारे लिए हमारे सिस्टम के लिए एक बड़ी बात है कि हम उसके साथ अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करते रहे ये हमें सबको सीखने को मिलता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं यहाँ पे खुद देख रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता कैसे वो वहाँ पे एक्चुअल क्या वो वहाँ पे था उसको हम सामने एक सामने देख रहे हैं कि जो पहले सच में हुआ था वो कैसे हुआ होगा हम महसूस कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा लग रहा है छोटे छोटे बच्चों को धर्म के साथ जोड़ने के लिए एक डेली प्रश्नोत्तर किया जाता है आपको कैसा लगा आपने बच्चों को इनाम बांटे तो ऐसे उपराले को आप क्या बहुत बड़ा उपराला है कि बच्चों को छोटी छोटे क्वेश्चन आंसर पूछकर बच्चों को पता चलता है कि एक्चुअल में क्या था ये रामलीला एक नाटक ही नहीं है एक तो बड़ी हमारे देश की संस्कृति और परंपरा को बताती है ये रामलीला और उसके साथ ही जो क्वेश्चन और आंसर है उससे एक्चुअल वहाँ पे क्या हुआ था कैसे हुआ था वो सब चीजें बच्चों को समझ में आती है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।